नमस्कार दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे मस्तिष्क पढ़ा, कंकाल तंत्र पढ़ा। आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, थोड़ा देखा होगा, समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही उसको आप फिर से देखो, नहीं अगर कोई चीज़ समझ में आती है फिर से देखो आ जाएगी, नॉर्मली समझ में आ जाएगी। अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, मस्तिष्क पढ़ लिया, कंकाल तंत्र पढ़ लिया। आगे आपके पास साइंस का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पोषण। पोषण छोटी कक्षाओं में अपन ने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, पालन पोषण पढ़ाया था छोटी क्लासों में। देखो पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण का मतलब होता है किसी वस्तु या जीव, पेड़ पौधा, कुछ ही समझो। पोषण का मतलब है खाने पीने की वस्तु उपलब्ध करवाना, उसको पोषण प्रदान करना, क्या कहलाता है पोषण। पोषण के बारे में अपन थोड़ा डिटेल से पढ़े तो पोषण के दो भाग होते हैं। पोषण के कितने भाग होते हैं, दो। देखो दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक भाग ये होता है जिसको अपन बोलते हैं स्वयं पोषी। क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी। स्वयं पोषी का मतलब है जो अपना पोषण खुद करते हैं। एक इसका पार्ट है जिसको बोलते हैं विषम पोषी, विषम पोषी। यहाँ पर वो ओडिवन वाला सम विषम नहीं है, स्वयं पोषी, स्वयं स्वयं का मतलब खुद, पोषी यानी पोषण, स्वयं पोषी अपना पोषण खुद करने वाला, विषम पोषी जो अपना पोषण खुद ना करे, क्या कहलाएगा विषम पोषी। पोषण पोषण को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में, एक तो स्वयं पोषी और एक विषम पोषी। स्वयं पोषी की बात करें तो स्वयं पोषी में आते हैं हरे पेड़ पौधे। कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे। शैवाल का नाम सुना होगा आपने, शैवाल, ये सब किस में आती है, स्वयं पोषी में। विषम पोषी की बात करें तो विषम पोषी में आते हैं सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु। मानव की बात करें तो मानव भी किस में आएगा, विषम पोषी में। यानी पोषण, पोषण के दो भाग किए, स्वयं पोषी विषम पोषी। स्वयं पोषी में कौन आता है, हरे पेड़ पौधे। स्वयं पोषी का मतलब आपको बताया कि जो अपना पोषण खुद करते हैं, यानी अपना खाना अपना भोजन जो खुद बनाते हैं, किसमें आएंगे, स्वयं पोषी में। और विषम पोषी में कौन आएगा, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। सर मानव किस में आएगा, मानव आएगा, मनुष्य आएगा विषम पोषी में, किसमें आएगा विषम पोषी में। सर ये क्या बात हुई, मानव हम अपना खाना रोज बनाते हैं, रोज शाम को सब्जी मार्केट में खरीदने जाते हैं, रोज रोटी पकाते हैं, हम अपना भोजन खुद बनाते हैं, आप कह रहे हो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। यहाँ पर मैंने लिख दिया विषम पोषी, यानी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मानव, दिक्कत खड़ी हो गई आपके लिए। समझने वाली बात ये है कि जो हम रोज प्रतिक्रिया करते हैं, जो रोज काम करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, वो विधि है भोजन को पकाने की। यानी जो भोजन अपने खाने योग्य नहीं है उसको खाने योग्य बनाना, मतलब क्या हुआ कि जो खाना अपने खाने योग्य नहीं था उसको अपने खाने योग्य बनाया, उस विधि को बोलते हैं कि हमने भोजन पकाया है, यानी भोजन पकाना। तो रोज हम जो करते हैं वो भोजन पकाना होता है, भोजन बनाना नहीं होता है। अच्छा बात करें स्वयं पोषी की, तो सर हरे पेड़ पौधे कब अपना भोजन बनाते हैं, हमने कभी नहीं देखा। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, आपने भोजन बनाते हुए नहीं देखा क्या, आप इनके पास रोटी सब्जी चपाती लेकर गए हो क्या, नहीं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, हमारे ऊपर निर्भर नहीं होते हैं इस, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। सर खुद कैसे बनाते हैं, देखो ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं एक विधि होती है, और विधि का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। विधि का नाम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रकाश संश्लेषण विधि होती है, इस प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा ये अपना क्या बनाते हैं, भोजन। या फिर इनके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिए समझिए ठीक से, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, विधि आपको पता चल गई कौन सी विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से। तो यहाँ तक अपने समझने वाली बात ये थी कि पोषण और पोषण के दो भाग, एक भाग होता है स्वयं पोषी, और स्वयं पोषी में कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे और शैवाल। ये शैवाल आपको दिक्कत कर रहा है कि साहब ये शैवाल क्या चीज है, शैवाल को अपन अपनी घर की भाषा में बोलते हैं काई।
कच्ची भी बोल देते हैं, काई भी बोल देते हैं। ये जो काई होती है या जो सहवाल होती है, ये पानी की निचली सतह पर होती है, जहाँ पर हमारे टंकियों में या बाहर कहीं गड्ढों में पानी भरा रहता है, वहाँ पर निचली सतह पर एक हरे हरे रंग की सहवाल आ जाती है। उस सहवाल को काई अपनी घर की भाषा में बोलते हैं। अब से आप ध्यान रखोगे सहवाल, ये भी सहवाल एक पेड़ का रूप होती है। तो जब अपने को पता चल गया कि विषमपोषी में तो सभी मानव जीव जंतु आते हैं और स्वयंपोषी के अंदर बात करें तो हरे पेड़ पौधे आते हैं, तो ये स्वयंपोषी कैसे हैं? देखो समझो ढंग से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वयंपोषी। स्वयंपोषी की बात करूँ तो स्वयंपोषी में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाना होता है, और इस भोजन बनाने के अंदर इनको वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वो वस्तु कितनी होती है? चार वस्तु तो याद रह जाएंगी आपको। चार वस्तु में एक वस्तु होती है जिसका नाम है जल। जल तो समझते ही होंगे, H2O। दूसरी वस्तु है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कितनी वस्तुएं हो गई? दो वस्तु। तीसरी वस्तु है सूर्य का प्रकाश। चौथी वस्तु होती है क्लोरोफिल। वस्तु कितनी हो गई? चार। इन चारों वस्तुओं के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना बनाते हैं भोजन। अपना क्या बनाते हैं? भोजन। क्या हम इनका भोजन पकाने जाते हैं? क्या नहीं। क्या हम इनको जल उपलब्ध कराने जाते हैं? क्या नहीं। सर हम तो रोज पेड़ पौधों में पानी डालते हैं। अरे पेड़ पौधों में पानी हम वहाँ डालते हैं जो हमारे घर में हमने किसी गमले में पेड़ लगा रखा है, उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको प्रकृति से अलग किया हुआ है। जो पृथ्वी है हमारी, उससे अलग किया हुआ है आपने। कुछ मिट्टी के साथ उसको एक गमले में फिक्स किया हुआ है, उसको सीमित मिट्टी मिली हुई है। क्या वो बाहर से पोषक तत्व ले पाएगा? क्या नहीं ले पाएगा? आपने ये सब किया इसलिए पानी डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो पौधा खराब हो जाएगा, मर जाएगा। तो बात करें तो पानी अपन उनको देने नहीं जाते हैं। जैसे मान लो आप घर में जो पेड़ पौधे लगा रखे हो उसमें पानी डालने चल जाते हो, बाहर जंगलों में इतने सारे पेड़ पौधे उगने के अपन डालने जाते हैं, क्या नहीं जाते हैं? तो पेड़ पौधों को अपन जल उपलब्ध नहीं करवाते, ठीक है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जल अपनी जड़ों के द्वारा ये पृथ्वी से ले लेते हैं, या फिर जो वातावरण के अंदर नमी होती है, आर्द्र मौसम होता है, वहां से ये पानी की मात्रा को सोख लेते हैं। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन इनको देने जाते हैं क्या? नहीं। सर ये गलत बात है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ही छोड़ते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो पेड़ पौधों के पास कहाँ से जाएगी? बिल्कुल ही गलत बात है। जब पेड़ पौधे अपने को ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तब ये हमारे भोजन के साथ क्रिया करती है, वहाँ जब इनका रासायनिक अपघटन होता है तब हमारे भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कब बनी? जब पहले अपने पास ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, हमारे अंदर जो भोजन होता है, भोजन के साथ इनकी क्रिया होती है, रासायनिक अपघटन होता है, तब जाके क्या क्या चीज़ जनरेट होती है? ऊर्जा जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, और जनरेट होती है उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और फिर हम उसको वातावरण में छोड़ेंगे, और वातावरण से कौन लेते हैं? पेड़ पौधे। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपन कभी भी किसी पेड़ पौधे को देने नहीं जाते कि लो भाई साहब आप 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, बदले में 200 ग्राम हमें ऑक्सीजन दे दो। नहीं, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन अपन पेड़ पौधों से नहीं लेते, अपन लेते हैं वातावरण से, और ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं। तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर छोड़ेंगे? वातावरण में। तो क्या इनको कार्बन डाइऑक्साइड देने जाते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं जाते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश अपन देने जाते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं। ना सूर्य से अपनी इतनी कोई जान पहचान है कि हम कहेंगे तो ये प्रकाश देगा, नहीं तो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं। सूर्य का प्रकाश देने जा रहे हैं? नहीं देने जा रहे हैं। क्लोरोफिल, अच्छा क्लोरोफिल का तो हमें पता ही नहीं कि होता क्या है। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या होता है? वर्णक। वर्णक का मतलब अपना रंग दूसरों को देने वाला। वर्णक का मतलब क्या होता है? अपना रंग दूसरों को देने वाला। ये जो क्लोरोफिल होता है ये वर्णक होता है, और ये अपना रंग दूसरों को देता है। दूसरों को किसको? पेड़ पौधों को। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये पेड़ों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है।
अपने से कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल पेड़ पौधों में होता है, ईगर कौन से भाग में होता है, पत्तियों वाले भाग में होता है, क्लोरोफिल को और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं स्वयं पोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन क्या करते हैं, ये खुद बनाते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी। और इनको अपना भोजन बनाने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, चार। पहली कौन सी है, जल। जल को क्या बोलते हैं, H2O। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो स्वयंपोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और चार वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और चारों वस्तुएं अपने को पता चल गई। अरे सही बात है ना, बिल्कुल। यहाँ देखो, ये जो अपना भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भोजन। और भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण विधि में कितनी वस्तुओं की आवश्यकता, चार वस्तुओं की। अगर इस प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दूं, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, तो सुनना ध्यान से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, वापस से सुनना, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए विधि का यूज करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। या फिर जिस विधि से ये भोजन बनाते हैं, वो विधि कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन। क्या बनाते हैं, अपना भोजन। और भोजन बनाने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। समझना भाई, जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, वो सारी परिभाषा यही पर है। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, भोजन। और भोजन बनाने की इस विधि में, या भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में, जल का अपघटन होता है। किसका अपघटन होता है, जल का अपघटन होता है। उस जल के अपघटन होने के कारण, जल के अपघटन होने के कारण इनके पास गैस बनती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। समझ में आया क्या, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस बनाते नहीं है, ये अपना भोजन बनाते हैं, अपने खाने पीने की चीजें बनाते हैं, उसके साथ बन क्या जाती है, ऑक्सीजन। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य बनाता नहीं है, वो अपने लिए एनर्जी करता है, अपने शरीर के अंदर एनर्जी तैयार करता है, उसके साथ हमारे अंदर बन क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वापस से समझना, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन की बनाने की इस प्रक्रिया में क्या होता है, जल का अपघटन। और जल का अपघटन होता है, उससे फ्री में अपने को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। समझ में आया क्या, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन। और भोजन बनने के साथ साथ क्या बन जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे बनती है, जल के अपघटन से। ऑक्सीजन का मतलब O2, भोजन। भोजन को बोलते हैं C6H12O6, इसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं ग्लूकोज। इसी को क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज। हम भोजन कह दें या ग्लूकोज कह दें, एक ही बात है। जो अपन ग्लूकोज पीते हैं, या हमारे कभी ग्लूकोज चढ़ाई जाती है ड्रिप के माध्यम से, या ग्लूकोन डी अपन पानी में घोल के पीते हैं, वो भी हमारे शरीर में एनर्जी देती है। भोजन अपन करते हैं, वो भी हमारे शरीर में एनर्जी देता है। सर भोजन और ग्लूकोज का कुछ मैच नहीं हुआ। भोजन एक हार्ड वर्ड हो गया, एक कठोर चीज़ हो गई भोजन। भोजन जैसे ही करते हैं, ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। जो हमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं, और लास्ट में भोजन का रूप जो हमारे शरीर के अंदर होता है, वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज। और दोनों का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? और इसी पूरी विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस पूरी विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। समझना भाई, स्वयंपोषी कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। क्यों होते हैं, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन सी विधि से, प्रकाश संश्लेषण से।
क्या क्या आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की। अब समझना, चार वस्तुएं लिखी थी मैंने, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और मैंने लिखा था क्लोरोफिल। अरे यही बात है ना, क्या जल हमारे पास नहीं होगा तो क्या पेड़ पौधे जीवित रहेंगे क्या? नहीं। मान लो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या जीवित रहेंगे क्या? नहीं। दोनों चीज बराबर है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, क्या पेड़ पौधे जीवित रहेंगे क्या? नहीं। कई बार देखा होगा कि कोई मान लो बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ के नीचे यहाँ पर अपन कोई छोटा एक पौधा लगा देते हैं, तो जब पौधा लगाते हैं तब वो हरा भरा होता है, लेकिन थोड़े दिन में क्या होता है, वो खराब हो जाता है, मर जाता है। क्यों? कई बार सुना होगा कि बड़े पेड़ की छाया छोटे पेड़ पर पड़ती है तो वो बड़ा नहीं हो पाता है। अरे दिक्कत ये है कि छाया पड़ने से कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर रूप से, मान लो सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो यहाँ पर पड़ेगा क्या? इस पे नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं मिलेगा। जल भी है इसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब सूर्य का प्रकाश रासायनिक क्रिया से इनको ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मान लो सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? ये जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, इस सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है क्लोरोफिल। यानी पेड़ पौधे सीधे सूर्य का प्रकाश को नहीं खाते, इस सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधों के खाने लायक स्थिति में कौन बदलता है? क्लोरोफिल। इसलिए इन चारों वस्तुओं का होना जरूरी है। और ठीक से समझना, शैवाल की बात करें, शैवाल की बात करें तो सर रोज हम हमारे बर्तनों में, घर के बर्तनों में पानी भरते हैं, उसमें शैवाल क्यों नहीं लगती? शैवाल इसलिए नहीं लगती क्योंकि शैवाल लगने के लिए चार चीजों की आवश्यकता है। कितनी चीजों की? चार। चार में से शैवाल के पास सारी चीजें हैं। देखो, पानी जहां पर भरोगे वहां पर पानी तो होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, जल में भी होती है CO2 की मात्रा कुछ प्रतिशत। बात करें शैवाल को और क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। और बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल भी शैवाल में उपस्थित होता है। सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिला तो शैवाल नहीं बन पाएगी। तो जो हमारे घर के बर्तन होते हैं, या बात करें जो पानी का टैंक घर में बनवाते हैं, टैंक के अंदर कभी भी शैवाल नहीं लगती है, क्योंकि टैंक को अपन ने चारों तरफ से कवर कर रखा है, ढक्कन बना रखा है उसका, जब हमें जरूरत पड़ती है तब उसको खोलते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश अंदर गया क्या? नहीं। सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं गया मतलब अंदर क्या नहीं है? शैवाल। अगर आपने कोई बर्तन में पानी रख के, किसी बाल्टी में पानी रख के, या टैंक कोई अपन ने बाहर बनवा रखा है जो ऊपर से ओपन है, कहने का मतलब जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रॉपर जा रहा है वहां पर निश्चित रूप से शैवाल लगेगी। समझ में आ रहा है क्या? जहां पर सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता है वहां पर शैवाल नहीं लगती है। अब हरे पेड़ पौधों की बात बता दूं आपको, यहां पर मैं लिखता हूं दिन। दिन का मतलब होता है 24 घंटे। दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे। यहां पर मैं इसके दो टुकड़े कर रहा हूं, एक तो दिन वाला दिन जहां सूर्य उपस्थित रहता है, और एक होती है रात। अरे सही बात है ना, तो ये रात कितने घंटे की? 12। और ये दिन भी कितने घंटे का? 12। समझ में आ रहा है? अभी मैं पहले आपसे दिन पूछता तो हो सकता है पहले ही आप 12 घंटे का बता देते। अब समझ में आ गया ना, टोटल कितने घंटे का हो गया एक दिन? 24 घंटे का। कितने घंटे का हो गया? 24 घंटे का हो गया। 24 घंटे का हो गया इस दिन के अंदर, इस दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है। किसका प्रकाश उपस्थित रहता है? सूर्य का प्रकाश। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो इन दिन के 12 घंटों में सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है, जबकि इन रात के 12 घंटों में सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे वो दिन के 12 घंटों में बनाएंगे या पूरे 24 घंटे बनाते रहते हैं? नहीं।
जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन के सिर्फ 12 घंटे ही अपना भोजन बना पाते हैं, जब इनके पास सूर्य होता है या सूर्य का प्रकाश होता है। रात के समय में ये अपना भोजन नहीं बना पाते। समझना, मैंने बताया था कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने में जल का अपघटन होता है, इसी विधि में तो अपने को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। अब इनके पास सूर्य का प्रकाश नहीं है, जबकि जल कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल है, तो क्या अपना भोजन बनाएंगे क्या ये, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो क्या जल का अपघटन होगा, क्या जल का अपघटन नहीं होगा। और जल का अपघटन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगी, ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी। काम की बात सुनना, हमें मतलब नहीं होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हमें मतलब होता है किससे, ऑक्सीजन से। तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना रहे हैं तो क्या नहीं बन रही है, ऑक्सीजन। मतलब इन रात के 12 घंटों में ये पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, और भोजन नहीं बनाते हैं तो रात के इन 12 घंटों के समय हमें क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन। इसी वजह से सुना होगा आपने कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जहरीली गैस छोड़ते हैं। अच्छा, जहरीली गैस कौन सी छोड़ते हैं, जब रात को ये भोजन नहीं बनाएंगे तो इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह सीधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है क्या, सुनना आगे। मान लो ये रात के अंधेरे में अपना भोजन नहीं बना रहे तो रात के अंधेरे में हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है तो उसकी जगह ये कौन सी ट्रांसफर करें, श्वसन क्रिया तो करेंगी, तो कौन सी ट्रांसफर कर रहे हैं ये, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, कैसी होती है, हानिकारक। इसी वजह से कई बार गाइड किया जाता है रात को या रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। समझ में आ रहा है क्यों नहीं सोना चाहिए। वहीं पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अपवाद हर जगह पाए जाते हैं, अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। अपवाद की बात मैं करूं, नोट लगाकर सुनना इस बात को, और नोट लगाकर लिख लेना नोट्स में। एक पेड़ होता है पीपल का पेड़, किसका पेड़ होता है, पीपल का पेड़। इसको पूजा जाता है भगवान के रूप में, किसके रूप में पूजा जाता है, भगवान के रूप में। देखो भगवान के रूप में क्यों पूजा जाता है इसको, ठीक से पढ़ना भाई, भगवान के रूप में इसको इसलिए पूजा जाता है कि जो पीपल का पेड़ होता है, ये पीपल का पेड़ दिन के 12 घंटे प्लस रात के 12 घंटे दोनों टाइम ही अपना भोजन बनाता है। दोनों टाइम क्या करता है, ये अपना भोजन बनाता है, यानी दिन में तो बनाता है रात में भी बनाता है। सर रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो भोजन कैसे बनाएगा। इस पीपल के पेड़ में इस प्रकार की क्षमता होती है कि ये बहुत कम प्रकाश में, यानी चंद्रमा के प्रकाश में भी, जो बहुत कम प्रकाश मिलता है उस प्रकाश में भी ये अपना भोजन बनाने में सक्षम है। यानी रात के समय भी ये क्या बना रहा है, अपना भोजन। और रात के समय ये अपना भोजन बनाएगा तो रात के समय में भी अपने को क्या देगा, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस को अपन बोलते हैं प्राणवायु। क्या बोलते हैं, प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब जीवनदान, प्राण का मतलब हमें जिंदा रखने वाली वायु। कब प्रदान कर रहा है ये, रात में, जब और पेड़ पौधे रात को ये प्राण वायु यानी ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाते, तब कौन कर रहा होता है, पीपल। इसीलिए इसमें क्या रहता है, भगवान। अच्छा समझना इसकी बात ढंग से, कईयों को हो सकता है ये समझ में नहीं आया, कई समझने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहे। देखो पीपल का पेड़ है, कई बार क्या होता है कि कुछ पेड़ों को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं बना दी जाती है, किसी के कुछ ठीक ठाक टाइम से नहीं चल रहा होता है, कुछ घर में अनबन बनी रहती है, इधर उधर पूछने जाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, सुबह जाना पीपल के पेड़ में ये चढ़ाना वो चढ़ाना, ऐसा करना वैसा करना। अच्छा जब थोड़ी दिक्कत होती है, रात को आप कहीं घर से लेट आ रहे हो, तब ये भी बोलते हैं, अच्छा इसको ज़्यादा दिक्कत है या बीमार या पागलपन इसलिए हुआ है क्योंकि रात को उस रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में क्या था, पीपल। तो इसमें बता दिया जाता है कि रात के समय आप उस रास्ते से क्यों आए, क्योंकि इसमें भूत रहता है। क्या रहता है, भूत। ऐसा होता है क्या, नहीं। हमें खूब डराया जाता है जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, घर वाले बोलते ना उस रास्ते से आना मत,
कहीं अपन जाके आते हैं तो, या फिर बोलते हैं कि ना उधर खेलने जाना मना है, वहाँ पर रास्ते में पीपल का पेड़ है, गलत बात है। बहुत सारी बातें हमने सुनी होगी, तो ये कब की बात है? रात की बात। अच्छा, इसमें ही क्यों रहता है? डराया जाता हमें। अच्छा, फिर सुबह होने पर बोलते हैं कि इसमें भगवान रहता है, इसमें पानी चढ़ाना चाहिए। सारी बातें क्या है? प्राणवायु। कब? रात के समय, जब सारे पेड़ पौधे उस समय प्राणवायु नहीं दे पाते, ऑक्सीजन नहीं दे पाते, उस समय ये अपने को क्या देता है? ऑक्सीजन। इसलिए एक ये पुराने टाइम से बना हुआ है कि अगर इसके प्रति कोई ऐसी कहानी नहीं बनाएंगे तो इसको सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? घर में अपन कोई थोड़ी महंगी वस्तु लाते हैं, या कोई भी जैसे मान लो कांच की कोई वस्तु लाते हैं, अपने घर में सारे बच्चों को पहले बोल देते हैं इस वस्तु के कोई हाथ लगाएगा करंट लग जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को बोल देते हैं तूने ऐसा वैसा किया ना, तेरे को बाबा जी को पकड़ा देंगे। क्या पकड़ाते हैं क्या नहीं, उस वस्तु को सुरक्षित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं अपन। तो ये जो पीपल का पेड़ है, इसकी हमें आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमारे लिए प्राणवायु देने वाला है, हमें जीवन दान देने वाला है ये। इसलिए इसके प्रति ऐसी चीजें बनानी पड़ती है ताकि इसको हम सुरक्षित रख सके। किन्हीं के घर में पीपल का पेड़ होता है ना, वो पूरा घर बना लेते हैं, उस जगह को छेड़ते नहीं है। कईयों के दिमाग में ये होता है कि प्रकृति है, अच्छी वायु देगा, घर में छाया रहेगी। कईयों के दिमाग में होता है इसको मैं काट दूं, मेरे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ फालतू की आफतें तो घर में नहीं आ जाएंगी। ऐसा इनके पीछे कारण होता है, ये इनको संजोकर रखने के कारण है। अगर ऐसी बातें नहीं